आज की कहानी एक ऐसे मुख्यमंत्री की है जिनके लिए कहा जाता है कि इनसे विवादित मुख्यमंत्री ना जन्मा है और ना ही जन्मेगा। अनगिनत खट्टे मीठे किस्से हैं इनके। इनका राजनीति में कभी अतीत नहीं हुआ। राख में से फिर जलकर उठना इन्हें बखूबी आता था। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। इनका नाम एनडी तिवारी है। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बतूली गांव में पैदा हुए। पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग के अफसर थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तिवारी हल्दानी, बरेली और नैनीताल के अलग अलग स्कूल कॉलेज में पढ़े थे। राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए आए ब्रिटिश विरोधी चिट्ठियां लिखने की वजह से 14 दिसंबर 1942 को अरेस्ट हुए और नैनीताल की उसी जेल में भेजे गए जहां उनके पिता पहले बंद थे। 15 महीने बाद रिहा हुए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां से आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1947 में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 1945 से 1949 के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो 1954 में सुशीला तिवारी से शादी की। 14 मई 2014 को उज्ज्वला शर्मा से शादी की जिनसे लंबे समय तक उनका रिश्ता था और जिनके बायोलॉजिकल बेटे रोहित शेखर के वो पिता थे। 1987 में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने डीलिट की मानद उपाधि दी। आजादी के बाद यूपी में 1952 में प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर नैनीताल से जीतकर विधायक बने। 1957 में नैनीताल से जीते और असेंबली में विपक्ष के नेता बने। 1963 में कांग्रेस ज्वाइन की, काशीपुर से विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री बने। 1968 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 से 1971 के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। जितनी एक भारतीय की औसत उम्र है उतना तिवारी राजनीति में सक्रिय रहे। जिस उम्र में खड़े नहीं हो पाते थे और मिक्सी में पीस कर खाना खाते थे उस उम्र में भी राजनीति वापस की। 2002 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन 2012 में कम से कम 7 कैंडिडेट्स को उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। रोड शो करके वोट मांगे, हेलीकॉप्टर से घूमे। यूपी में उनके प्रचार की डिमांड थी लेकिन तबीयत खराब थी तो नहीं आए। उत्तराखंड में प्रचार के दौरान बोले कि जरूरत पड़ी तो 2.5 साल के लिए सीएम बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब हम आपको देते हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि 2.5 साल के बाद 90 के हो जाएंगे। तिवारी का दावा था कि 2002 से 2007 के बीच उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास हुआ और विरोधी भी ये बात मानते थे। हाँ, 2009 के राजभवन कांड को याद नहीं करना चाहते। तिवारी कभी राज्यों के बारे में नहीं, हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। इस उम्र में भी अर्थव्यवस्था ब्लैकबेरी, सैमसंग, सोनी और निकॉन जैसी कंपनियों और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के पिछड़ने पर बात करते हैं। अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह एनडी तिवारी से मिलने पहुंचे थे और तिवारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। 2012 में मुलायम सिंह के लिए प्रेम दिखाया था। अखिलेश के सीएम बनने पर कहा था कि वो राज्य संभालेगा और मुलायम राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। 2012 में ही जब तिवारी रोहित के पिता घोषित किए गए तो टीम अन्ना ने चुटकी लेते हुए उन्हें बधाई दी थी। 2016 में देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचने पर तिवारी फूट फूट कर रो पड़े कि राज्य निर्माण में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों की सरकार उपेक्षा कर रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक किस्सा ये भी है कि 70 के दशक में यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए एनडी तिवारी ने संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी। उस समय कांग्रेस में संजय की तूती बोलती थी और कई कांग्रेसी नेताओं को संजय की चप्पलों के नीचे ही तरक्की का रास्ता दिखाई देता था। वो खुद कांग्रेसी नेताओं की तारीफ करते थे और उन्हें अपनी तारीफ सुनना भी खासा पसंद था। बताते हैं कि तारीफ करने वालों को निहाल कर देते थे। याददाश्त कमजोर थी, लोगों के नाम अक्सर भूल जाते थे। एक दो लड़कियां महिलाएं ऐसी थी जो उनके आशीर्वाद से मंत्री बनी थी। उत्तराखंड का सीएम रहते हुए एक किस्सा है कि जिसे सचिव नियुक्त किया उसे भूल गए। वो अगले दिन फाइलें लेकर आया तो उसे बिठाया, नाश्ता कराया, घर परिवार की बातें भी की। आखिर में पूछा कि किस काम से आए थे। उसने फाइलें सामने रखी तो पूछा कि तुम्हारे पास सरकारी फाइलें कहाँ से आई। जवाब आया कि आपने ही तो सचिव रखा है, इस वजह से एक आदमी हमेशा उनके पीछे रहता था जो मिलने वाले के बारे में उन्हें बताता था। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.baatenupi.com पर विजिट कर सकते हैं। कुछ नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए करते रहें और देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।